This news is sponsored by City Heart Super Speciality Hospital, a unit of Thakur Nursing Home, Mehre Barsar, District Hamirpur. पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में चल रहे सरस मेले के दौरान उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने किया। प्रदर्शनी में बकरी के दूध से बने साबुन, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग फ्लेवर की चाय सहित अन्य सामान प्रदर्शित किया गया। विधायक ने सभी स्टॉल का अवलोकन करके प्रतिनिधियों से उत्पादों के संबंध में जानकारियां एकत्रित की। युवाओं का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कई युवाओं ने नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उसे ये युवा धरातल पर उतार रहे हैं। सरकार और उद्योग विभाग द्वारा ऐसे युवाओं को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। बहुत अच्छी प्रदर्शनी आज उद्योग विभाग द्वारा हमारे यहाँ पर धर्मशाला में लगाई गई है, और यहाँ पर आके जिस तरह से जो जानकारी मिली और किस तरह से स्टार्टअप के तहत स्वावलंबन योजना के तहत हमारे जिला कांगड़ा के युवा साथियों ने एक आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में उन्होंने भी कदम रखा है, बहुत खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने ये पहल की है और पहल के तहत जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और आज के युग में जहाँ पर हर चीज़ हम लोगों को टॉक्सिक मिलती है, प्रदूषण चारों ओर फैला हुआ है, उस दौर में नेचुरल तरीके से जो है इन सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य में ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सराहनीय कदम जो है हमारे यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा ये लिए गए हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर जितने भी ये लोग जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस दिशा में जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, जो अपने पार्टिसिपेशन दिया है, उनका स्वयं कहना था कि विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा बहुत अच्छे कदम, बहुत अच्छी मदद जो है हर दिशा में मिल रही है, ये बहुत सराहनीय है। और ये स्वयं आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रोज़गार की दिशा में भी बहुत बड़ी अहम भूमिका इन लोगों की रह रही है। इनके साथ बहुत सारे इम्प्लॉयज़ भी जुड़ चुके हैं जो वहाँ पर अपना रोज़गार पा रहे हैं, और स्वरोजगार में इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करके अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि आने वाले समय में अभी इन्हीं सारी चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, एडवर्टीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी इन तक पहुँच सके। इस दिशा में हम लोग आने वाले समय में और ठोस कदम उठाएंगे। मैंने यहाँ पर खुद पिछले 3-4 दिनों में लगातार विजिट करके ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, और यहाँ से जो ऑब्जर्व करते हुए जो मेरे ध्यान में विषय आए हैं इनकी एडवर्टीज़मेंट के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, उसमें निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार से मैं मांग भी रखूँगा, बातचीत रखेंगे, और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पहले भी सहयोग दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी इसमें बहुत हम लोगों को सहयोग मिलेगा। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बरसर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 0-1972-22-22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।